हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं करूँगी यहाँ पर सतरंगे माह की फनाई, और मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पर रखे हैं मैंने माह। अब भी है सुबह का टाइम और बच्चों को मैंने स्कूल में भेजा, और उसके बाद का पशुओं का काम, घास पानी करके, और अब करूँगी यहाँ पे इनकी फनाई। तो ये मैंने तसला फेंक दिया नीचे और टैंक में रखे हैं माँ, और ये फेंक दिया, इससे फनाई करूँगी मैं। और ये बना रखे हैं मैंने यहाँ पे उपले, ये बना रखे हैं। और अब सारा यहाँ पर भरी हो गया है उपलों से, और जितने को ये सूखेंगे उतने को पार जंगल में बनाऊंगी। और ये है केला, तो अब मैं नीचे जा लेती हूँ। और तो मैं आ गई नीचे, और देखिए सूर्य भगवान जी भी निकल चुके हैं, और ये है हमारे पहाड़ों का सुबह का नज़ारा 9 बजे का। तो मैं आ चुकी हूँ टैंक में, और यहाँ से उतरी मैं, तो अब इनकी फनाई कर लेती हूँ। ये है यहाँ पे माँ, ये इस तरह के, तो ऐसे ही डंडे से मैं पिटाई करूँगी इनकी, और तब मिलती हूँ आपके साथ। आज मैं घनागू में भी जाऊँगी, तो अब मैं फटाफट से फनाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं फनाई कर लूँगी इनकी। ऐसे पीटने से इनके दाने निकल जाते हैं और घास आ जाता है पशुओं के काम। ये देखिए ये निकले नीचे दाने, ये। तो इसी तरह से मैं इन पूरे माह को बेच लूंगी। राम राम, जय माता दी। तो ये मैंने यहाँ पे फनाई कर दी इनकी, और जो इनका घास ऐसा होता है वो परे वाली साइड को रख दिया, और आधे रास्ते में काम छोड़ करके मैं जाऊँगी अब घनागू में। अभी पशुओं को अंदर करना है, तो उसके बाद तैयार होंगी और फिर बस के लिए जाना पड़ेगा परे अपने गांव में। तो चलिए चलते हैं, और मैं चल लेती हूँ यहाँ से ऊपर। तो बीच रास्ते में छोड़ दिया मैंने ये काम, आकर के करूँगी अब। कालू कालू, तो अब मैं इनको कर लेती हूँ अंदर पानी पिला करके, और तब उसके बाद नहाऊंगी, तैयार होंगी, तब मिलती हूँ आपके साथ। कट्टू। तो मुझे 11 बज गए थे, उसके बाद मैंने पशुओं को पानी पिलाया और इनको अंदर करा और नहाई, खाना खाया, उसके बाद चले गई बस के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी चले गई थी, और वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं लगा। तो अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ, और गांव की और लड़चे भी जाएगी तो वो भी मेरे साथ है। और देखिए लोगों ने यहाँ पर मक्की के दाने निकाल करके लैंडर के ऊपर सुखाने के लिए रखे हैं।
तो हमारी वहाँ पर मीटिंग थी स्वयं सहायता समूह की, उसके लिए जा रहे थे और वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हमारे पहाड़ों के देखिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से गांव है, और ऊंचे पहाड़ों में ऐसे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं गांव। और यहाँ पर अभी मक्की से दाने निकालने को है, किसी किसी के लैंटर के ऊपर है, तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है हमारे पहाड़ों का। और हम बस से उतर चुके हैं यहाँ पर डैम के पास। ये है पानी यहाँ पर डैम, और यहाँ का दृश्य भी बहुत ही प्यारा है। तो ये थी हमारे गांव की लड़जे, और हम सभी इकट्ठे आए बस में। पर हमारे को बस में आने के लिए 1.5-2 किलोमीटर दूर आना पड़ता है घर से। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर अपना काम करवाने गई थी डाकघर में, और उसके बाद हमने यहाँ पर मीटिंग करी। तो ये यहाँ पर बैठी हुई थी सभी महिलाएं, और मैं जा रही और हूँ उसके बाद मैं आ गई थी अपने गांव में। वहाँ पर मुझे कुछ काम था, तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाई, और रास्ते में आते आते मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। इसमें कुछ सामान है और ये है रस्सी, तो आज मैं गाँव वालों की चोरी करूंगी। मेरे चाची जी एक वहाँ जिनके भागवत कथा लगी थी, तो वहाँ पे मुझे टाइम लग गया, काम भी था कुछ, तो उन्होंने बोला वो यहाँ पे नीचे जंगल में सुखाने के लिए घास काट रहे हैं वहाँ से ले जाना 10-11 पुल्ले बच्चे हैं वहाँ पर, तो अभी मैं वहाँ से ले जाऊँगी घास, क्योंकि देखिए सूर्यदेव जी भी छिपने वाले हैं, और मुझे टाइम लग गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो अब घर में जा कर के घास काटने का टाइम नहीं बचेगा, तो यहीं से ले जाऊंगी मैं घास। और ये सामान भी है मेरे पास, तो इसको भी ले जाऊंगी। यहाँ नीचे जाऊंगी मैं घास लाने जंगल में, और पेटी को छोड़ दूंगी ऊपर ही। तो अब मिलती हूँ आपके साथ नीचे जंगल में ही। तो राम राम, जय माता दी। और हम गए थे गनागू घाट में, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही बीच बीच में वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे है पीपल का पेड़, ये देखिए ये पीपल का पेड़ है, और यहाँ पे छोड़ दूंगी मैं इसको। और ये रस्सी भी उन्होंने दी है चाची जी ने। तो ये है वो जंगल जहाँ पे घास लगी थी, और मैंने यहाँ पे यहाँ की वीडियो आपके साथ भी शेयर करी थी। तो घास तो यहाँ पर अच्छा है, और सारे ये जल गए थे पेड़ पौधे। तो यहाँ पे नीचे जैसे होगा उन्होंने घास काट के रखा हुआ, वहाँ से लाऊंगी मैं यहाँ पे वो जाके नीचे। तो ये है यहाँ पे घास के पुल्ले, और मैं गाड़ी बांध लेती हूँ यहाँ पे। ये है रस्सी, तो ये यहाँ पे मैंने रस्सी बिछा दी है, और अब मैं लगा लेती हूँ घास की गाड़ी, तब मिलती हूँ आपके साथ। ये लगा दी मैंने यहाँ पे घास की गाड़ी, तो ये उठा ली मैंने घास की गाड़ी, और चाची जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना कोई नहीं करता किसी के लिए, इतना चाची जी करते हैं मेरे लिए। तो अब यहाँ से रास्ता ख़राब है, और मुझे जाना पड़ेगा अभी यहाँ पे ऊपर सड़क में। तो अब मिलती हूँ आपके साथ ऊपर ही। तो मैं पहुँच चुकी हूँ सड़क में, और ये है मेरे पास पेटी, दोनों हाथ मेरे। ये अब मैं वीडियो नहीं बना सकती अगर घर से आ गया कोई। तो अब आ चुके हैं मीनाक्षी और भारती, ये ले जाएंगे इस पेटी को। घास तो बहुत ज़्यादा भारी है,
इसको ये नहीं ले जा सकते, पर पेटी ले जाएंगे, यहाँ तक मैं ले आई थी। और अब भारती बना रही है वीडियो और मीनाक्षी मेरे साथ चली हुई थी बातें करते करते। तो मैंने वहाँ से ऊपर से तारा मेरा भी लाया था गायों के लिए, और कुछ लाया था डालडा। तो वो वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। मेरी देवरानी भी गई थी मेरे साथ, तो इसने ये रख दिया था वहाँ पर जहाँ पर स्कूटी रखते हैं। तो इससे यहाँ से अब मीनाक्षी ले जाएगी थैली को और मैं ले जा रही हूँ घास को, पेटी ले जाएगी भारती। तो हम पहुँचने ही वाले हैं घर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है प्रिंस, तो अब मैं कपड़े बदल लेती हूँ। सच्ची कपड़े चेंज किए और मैं आ गई घास को, क्योंकि बारिश का मौसम बना है और बारिश भी हो सकती है। तो 12-13 पुल्ले मैं वहाँ से ले आई थी और 4-5 पुल्ले और ले जाऊँगी, तब सुबह के लिए भी हो जाएगा। तो ये है मेरे पास दराटी और इसमें ग्लव्स। वो एक हाथ वाला ही लाया मैंने, वो दूसरे वाला घर में रह गया। तो मैं काट लेती हूँ घास। राम राम, जय माता दी।